आगरा के फतेहाबाद में प्रोत्साहन राशि में असमानता को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने काली पट्टी बांधकर किया काम। सरकार के द्वारा कोविड-19 में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 25% प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद पर तैनात संविदा कर्मचारियों के द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 में काम करने वाले कर्मचारियों को 25% प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संविदा कर्मचारी संघ आगरा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि घोषणा के बाद यह प्रोत्साहन राशि गिने चुने लोगों को दी जा रही है, जिसमें भी असमानता बढ़ती जा रही है। जहां संविदा कर्मचारी कोविड-19 में काम कर रहे हैं, जिसमें टीकाकरण हो, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ असमानता की जा रही है। वहीं सरकार के द्वारा 4% डीए भी काट लिया गया है, उसको भी वापस किया जाए, नहीं तो संविदा कर्मचारी इसके विरोध को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार की घोषणा के बाद से असमानता दिखाई जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। 25 मई से 31 मई तक काली पट्टी बांधकर सभी संविदा कर्मचारी विरोध पर रहेंगे। 3 तारीख तक प्रदेश सरकार को समय दिया गया है, यदि वह हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करती है तो 4 जून से सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका मैं महेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का आगरा का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज से ये प्रोग्राम है कि सरकार ने जो एक 25% का प्रोत्साहन राशि जो दी है वो केवल गिने चुने लोगों को दे रही है, जो केवल कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जबकि परमानेंट स्टाफ या संविदा का स्टाफ पूरे ज़िले में कहीं भी कोविड-19 के तहत ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहा हो, RRT टीम कर रहा हो, या वैक्सीनेशन ड्यूटी कर रहा हो, कर तो कोविड-19 में ही रहा, वैक्सीनेशन में ड्यूटी कर रहा है, लैब टेक्नीशियन है, जिनको केवल 10% दिया, जबकि 25% का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसके विरोध में जो संविदा के कर्मचारी हैं पूरे आल उत्तर प्रदेश में, आज मैं आगरा की तरफ से इसका विरोध करता हूँ, सरकार की नीतियों का दमन करता हूँ इस बात के लिए कि जब समान कार्य और समान वेतन के लिए लगातार मांग चल रही है, उसके लिए कोई सरकार ने कोई नीति नहीं रखी है, जबकि परमानेंट के बराबर हम लोग कार्य करते हैं लेकिन उसके बराबर वेतन नहीं दिया जाता। नंबर 1 समान कार्य समान वेतन, नंबर 2 ट्रांसफॉर्म पॉलिसी है जो लागू होनी चाहिए, नंबर 3 जो 25% प्रोत्साहन राशि है वो सबको देनी चाहिए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो संविदा का कर्मचारी हो, कोविड-19 में सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और नंबर 4 जो है वो जो डीए काट लिया गया है, जो 4% परमानेंट कर्मचारियों को डीए काटा गया है, वो डीए परमानेंट कर्मचारियों को वापस किया जाए। जैसे आपकी अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं, कहाँ तक आप इस साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो 25 से लेके 31 तक तो काली पट्टी बांधकर सरकार की नीतियों का विरोध करना है, उसके उपरांत 3 तारीख तक सरकार को समय दिया गया, 4 तारीख से संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश पूरे एसोसिएशन हड़ताल पर चली जाएगी, आइसोलेट हो जाएंगे।